भक्ति योग न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता। वारी मथे ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरी जय सिद्धांत अपेल। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजनन जाई, भजिय राम तजि काम सब अस विचारी मन माई। दयालु स्वामी जी साहब ने फरमाया, भक्ति का अर्थ है भागना, यानी तेज चाल को भक्ति कहते हैं। अपने प्रभु की ओर तेज गति या चाल के द्वारा जाना या प्रभु की ओर लौटना, ये भक्ति है। प्रभु प्रेम है या प्रेम स्वरूप है। प्रेम में सदैव आकर्षण होता है। जो भगवंत के प्रेम के आकर्षण में भगवंत की ओर खींचे हैं या भगवंत की ओर जा रहे हैं, वे भक्त हैं। जैसे प्रेम में आकर्षण होता है, वैसे ही माया भी आकर्षित करती है। यह प्रेम के आकर्षण का उल्टा है, यह विकर्षण है। प्रेम का आकर्षण भक्ति कहलाता है। जो प्रेम के आकर्षण में बंधे हैं, अपने प्रभु से अनुरक्त हैं, माया जिनको अपनी ओर खींच नहीं पाती, जो सदैव या तो अपने स्वामी की ओर लौट रहे हैं या अपने प्रीतम से एकाकार, सदाकार और तद्रूप हैं, वे भक्त हैं। प्रेम और प्रेम का आकर्षण कोई दो अलग-अलग स्थितियां या तत्व नहीं है, इसलिए भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। सच्चा प्रभु प्रेम स्वरूप है या प्रेम ही प्रभु है। वह ज्ञान, विचार, बुद्धि या मन और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वह केवल भक्ति से ही जाना और प्राप्त किया जा सकता है। बिना भक्ति के तमाम अन्य साधन, जिनमें ज्ञान भी शामिल है, थोथे और फालतू है। ज्ञान की बड़ी महिमा पुराने शास्त्रों ने और आचार्यों ने की है। गीता स्वयं ज्ञान का ग्रंथ है। 8वें अध्याय में ज्ञान की महिमा की गई। फिर 9वें अध्याय के शुरू में यह भी कह दिया गया कि विज्ञान से युक्त ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। भगवान ने यह बात गीता के अध्याय 9 के श्लोक 2 में कही। यह तो माना गया कि ज्ञान विद्याओं में शिरोमणि है, किंतु फिर उसके आगे अध्याय 9 के श्लोक 3 में भगवान ने कहा कि भक्ति से रहित ज्ञानी भगवंत को यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अश्रद्धानां पुरुषा धर्माशास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, उस पर भी श्रद्धा न रखने वाले मुझको नहीं पाते और इसी नाशवान संसार में बार बार जन्मते मरते रहते हैं, वे मुक्ति नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम तो पार ब्रह्म परमात्मा का धाम निरंकार पद है। ज्ञान के साधन द्वारा वहां तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन भगवान ने यहाँ एक बड़े मर्म की बात कह दी। वे जो ज्ञान द्वारा यहाँ आए हैं, वे ज्ञानी जन मुझे नहीं पाते। अप्राप्य माम, इसका यही अर्थ है। कारण यह है कि ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर ज्ञानी साधक उस पार ब्रह्म सत्ता में साधिकार पहुंचते हैं। शिवोऽहम् और सोऽहमस्मि की धारणा और दावे से वहां जाने पर अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा उनको प्यार से, स्नेह से, वात्सल्य से तो मिलेगा नहीं। कारण यह है कि साधक प्रेमी बनकर, बालक बनकर, शरण लेकर, दीन बनकर प्रेम के साथ नहीं आया है। प्रेम के अभाव में वह अनंत त्रिलोकी नाथों का नाथ उन्हें अपने प्रेम स्वरूप के दर्शन नहीं देता। यही बात भगवान गीता के अध्याय 9 के श्लोक 3 में अर्जुन से कह रहे हैं।
इसके परे का देश, माया के पार की रचना, सत्य देश में तो बिना प्रेम यानी भक्ति के जाया ही नहीं जा सकता। ज्ञान की हद पार ब्रह्म परमात्मा के धाम तक ही है। ज्ञान के साधन द्वारा पार ब्रह्म पद पर जब ज्ञान के अधिकार के साथ गए, तो उन ज्ञानी जनों को वहां के स्वामी का रूप कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान ने उनको अपने प्रेम स्वरूप के दर्शन नहीं दिए। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने इष्ट को नेति नेति कह दिया। ज्ञान के साथ कुछ कम या ज्यादा कुछ न कुछ अहंकार का अंश मिला होता है। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, इसमें तो अहंकार झलक रहा है। मैं, यह तो अहंकार का प्रकट रूप है। प्रभु अपने गूढ़ भेद, अपने प्रेममयी दर्शन, प्रभु से प्रेम करने वाले, अपने आप को प्रभु पर न्योछावर करने वाले प्रेमी को देंगे या ऐसे कहने वाले को दे देंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ज्ञानी कहते हैं, सर्वाधारम सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वंगम सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम ब्रह्मा द्वैतम यत् देवाहमस्मि। जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। यह ज्ञानियों की धारणा है। इसके विपरीत भक्ति भावना दीनता, समर्पण, शरण और प्रेम प्रदान है। प्रभु से अनन्य प्रेम किया, दूसरों की आशा तक ही त्याग दी, उस अपने इष्ट प्रभु पर कुर्बान हो गए, अपनी हस्ती, अपना आपा और वजूद ही समाप्त कर दिया। ऐसा प्रेमी जब परम धाम पहुंचेगा, तो वे ही प्यारे प्रभु द्वार पर आकर अपने बालक यानी पुत्रवत प्यारे सेवक को गोद में उठा लेंगे। अपनी रचना यानी यहाँ संसार में भी प्रभु सदैव अपने प्यारों की खुशी का ख्याल रखते हैं। सच्ची शरणागति और आश्रितता के कारण भगवंत दीन सेवक की रक्षा में स्वयं तत्पर और सन्नद्ध रहते हैं, और इसीलिए माया फिर भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ज्ञानी, विवेकवान और वैराग्य अंग जिनका प्रखर है, उनमें अहम भाव मौजूद रहने से उनकी शरणागति कमजोर रहती है और उनकी रक्षा का भार प्रभु अपने ऊपर नहीं लेते। जो कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसकी रक्षा फिर दूसरा कौन करे? ब्रह्म ज्ञानी जो अपने आप को परमात्मा और सर्वसमर्थ मानता है, उसे तो किसी दूसरे की मदद की जरूरत ही नहीं है। वह ब्रह्म है तो अपनी रक्षा स्वयं ही कर लेगा। ज्ञानी कहते हैं, सोहमस्मी। वे इसी धारणा को परिपक्व करते हैं। दूसरी तरफ भक्त जो कि प्रेमी है, वह तो अपने प्यारे प्रीतम का मुंह जोहता रहता है। उसे अपने भले बुरे की भी परवाह नहीं है। वह आश्रित है। उसकी रक्षा उसका स्वर समर्थ मासूक नहीं करेगा, तो दूसरा कौन करेगा? भक्त ने अपना आपा त्याग दिया है और दासातन और गुलामी की भावना में अपने अहंकार को समूल नष्ट कर दिया है। भक्त की रक्षा उसके स्वामी करते हैं। रामचरितमानस में इस बात को गोसाई जी बड़े मनोहर तरीके से समझाते हैं कि माया और भक्ति दोनों स्त्री संज्ञक है। यह प्राकृतिक बात है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को लुभाकर या ललचाईमान करके ठग नहीं सकती। इसके विपरीत पुरुषों को स्त्री यदि चाहे तो सरलता से मोहित कर सकती है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ये पुरुष संज्ञक हैं। माया रूपी ठगनी ज्ञान, विवेक, वैराग्य को चुटकी बजाते ही ठग लेती है। साथ में ज्ञानियों को मालिक भी बचाने की तरफ ध्यान कम देते हैं, क्योंकि ज्ञानी प्रभु के आश्रित या शरणागत या प्रभु के भरोसे नहीं है। स्वयं
मुनि ज्ञान निदान मृग नयनी विदु मुख निरखी बिबस होहि बरी जान नारी विष्णु माया प्रगट इहान पक्षपात कछु राखउ वेद पुराण संत मत भाखउ मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यनीति अनुपा माया भगति सुनऊ तुम दो नारी वर्ग जानै सब को पुनि रघुवीरई भगति पियारी माया खलु नर तकी बिचारी भगति सानुकूल रघुराया ताते तेई दरपत अति माया राम भगति निरुपम निरुपादि बसई जासुर सदा अबादि तेहि बिलोकि माया सकुचाई करिन सकई कछु निज प्रभुताई अस विचार जे मुनि बिज्ञानी जाचई भगति सकल सुख खानी। भगवंत में अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। अनन्य प्रेम यानी एकनिष्ठ और पराकाष्ठा की सीमा वाला प्रेम। इस उत्कट प्रेम में एक अपने प्रीतम के अलावा दूसरे किसी का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम ही भक्ति की पूर्णा होती है। जब आराधक और आराध्य एक हो जाएं और भक्त की सारी द्वेत ही मिट जावे। प्रेमी भक्त को जब हर पल उठते बैठते सोते जागते चाल चलते फिरते जगत व्यवहार का काम करते हुए हर स्थान पर और हर समय पर केवल मात्र अपना इष्ट ही दिखाई दे, तब उसे तन्मयता या लय कहते हैं। इस लय में द्वैत का दूसरा पक्ष यानी भक्त का स्वयं का आपा विलीन हो गया। जब द्वैत का दूसरा पक्ष ही मिट गया तो अनन्य भक्ति में तीसरे किसी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह प्रेम भक्त की तरफ से किया जाने वाला एक पक्षीय प्रेम नहीं है। भक्त जितना प्रेम करते हैं प्रभु उससे भी कई गुना प्रेम भक्तों से करते हैं, क्योंकि भगवंत प्रेम का अथाह सागर है। भक्ति का स्वरूप समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब तक भगवंत भक्त के प्रति हर पल प्रेम बढ़ाते नहीं रहेंगे तब तक भक्त की भक्ति का विकास नहीं होगा और भक्ति परवान कैसे चढ़ेगी। भक्ति के स्वरूप को समझाने का गोसाई जी ने रामचरित मानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भक्त के प्रेम के आगे भगवंत की तो प्रतिज्ञा की भी कोई गिनती नहीं है। हालांकि भगवंत की प्रतिज्ञा अमोघ ही होती है। भगवंत सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ की प्रतिज्ञा अमोघ ही होगी, किंतु रचना में सर्वोच्च ताकत प्रेम यानी भक्ति की है। भगवंत खुद अपनी प्रतिज्ञाएं छोड़कर भक्त की भक्ति का पोषण करते हैं, भक्त की भक्ति का निवाह करते हैं। रामचरित मानस में भगवान ने दो जगहों पर राक्षसों को कुल सहित समूल नष्ट कर देने की खुली प्रतिज्ञा की थी। मुनियों के समूह के सामने यह जानकर कि राक्षसों ने इतने ऋषि मुनियों को खाया है कि उनकी अस्थियों का ढेर लगा हुआ है। भगवान की आंखों में ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर देखकर आंसू आ गए। भगवान राम ने वहां हाथ उठाकर सबकी साक्षी में यह प्रतिज्ञा की, निशिचरहीन करउ मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम नी जाई जाई सुख दीन। भगवान ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा, और अपनी यह प्रतिज्ञा भगवान ने ऋषियों के आश्रमों पर जाकर सबको सुनाई और उन्हें चिंता मुक्त और सुखी कर दिया।
दूसरी प्रतिज्ञा इससे भी ज्यादा सटीक थी। दूसरी प्रतिज्ञा में भगवान ने रावण का नाम लेकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं रावण को उसके कुल खानदान सहित परलोक भेज दूंगा। जब जटायु शरीर त्याग रहे थे तो भगवान ने जटायु से कहा, हे तात, आप परलोक जा रहे हैं, वहां पर मेरे पिता श्री महाराज दशरथ भी आपको मिलेंगे। यहाँ जगत में सीता हरण हो गया है, यह बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो यह बात दशानन रावण वहां परिवार सहित आकर खुद ही बताएगा। मतलब यह कि मैं रावण को उसके परिवार सहित परलोक ही भेज दूंगा, उसके खानदान में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान राम वहां जटायु से इस तरह कहते हैं, सीता हरण तात जनी कहउ पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कई दशानन आय। विभीषण राक्षस भी थे और रावण के कुटुंबी भी थे। दोनों प्रतिज्ञाएं यदि पूरी की जाती है तो विभीषण को मारना पड़ता है, लेकिन राक्षस होने से क्या हुआ? बाद में पता चला कि विभीषण तो भक्त हैं और आगे चलकर वही विभीषण शरण में ही आ गए। अब मारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, शरणागत की तो रक्षा की जाती है। यदि कोई दूसरा शरणागत को मार रहा होता है तो उसे बचाना भगवान का फर्ज है, और ऐसा ही हुआ। युद्ध भूमि में लड़ाई के दौरान जब रावण ने विभीषण पर प्रचंड शक्ति प्रहार किया तो भगवान ने उस शक्ति को आती हुई देखकर सोचा कि विभीषण इस प्रबल शक्ति को झेल नहीं पाएंगे। उस समय भगवान ने स्वयं आगे आकर उस प्रहार को झेला। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे उसोई सेला। विभीषण को भगवान ने बचाया। उस शक्ति की चोट से भगवान को कुछ देर के लिए बेहोशी भी आ गई। भक्ति का रिश्ता ऐसा ही मधुर है, इसमें प्रभु भी अपना बड़प्पन त्याग कर अपनी बात अपनी प्रतिज्ञा यदि छोड़नी पड़े तो सहजता से छोड़ देते हैं। इधर भक्त ने तो अपना आपा पहले ही समर्पित किया हुआ है। दोनों तरफ के प्रेम के इस प्रबल आकर्षण से दोनों इकाइयों या दोनों पक्षों का सत्व या अंतःकरण मिलकर एक हो जाते हैं, द्वैत ही समाप्त हो गया। मेरा मन जो तुझ से यो जो तेरा होय, अहरन ताता लोह जो संधि लखे नहीं कोई। लोहे की दो छड़ें या राड हो और उनको इस तरह जोड़ना चाहें कि उनमें जोड़ दिखाई नहीं दे, दो छड़ें द्वैत है। यदि अभेद तरीके से जुड़कर एक हो जाएं तो अद्वैत है। यदि छड़ों को भट्टी में इतना तपाएं कि वे पिघल जाएं, तब वे इस तरह से जुड़ जाएगी कि उनमें जोड़ फिर दिखाई ही नहीं देगा। यदि एक छड़ गर्म हो और दूसरी गर्म न हो तो अद्वैत जोड़ नहीं लगेगा। यह भक्ति का अद्वैत प्रेममयी है। सेवक और स्वामी के बीच में से द्वैत मिटाने के लिए जरूरी है प्रेम की तपिस दोनों तरफ बराबर हो। प्रेम की तपिस का नाम ही भक्ति है। भक्ति के अधिकार भेद। भगवंत के प्रति आकर्षण को प्रेम और संसार यानी माया के प्रति हमारे आकर्षण को मोह और वासना कहते हैं। इस प्रभु प्रेम के आकर्षण या भक्ति की तीव्रता यानी मात्रा भेद और अंतिम लक्ष्य में अंतर के अनुसार फिर भक्ति में भी कई दर्जे या श्रेणियां जैसी बन गई। दरअसल में ये श्रेणियां भक्ति की न होकर भक्तों की है। कोई जब परमात्मा से प्रेम करने के मार्ग या रास्ते को अंगीकार करके भक्ति को अपनाता है तो उसका इसके पीछे लक्ष्य या सच्ची चाहना क्या है,
यही उस भक्त की श्रेणी है। आम तौर पर हमारे मन में दुनियावी कामनाएं भरी है तो हम परमात्मा की सेवा, बंदगी, पूजा अर्चना करके उसके बदले में यह चाहते हैं कि मालिक हमारी दुनियावी कठिनाइयों को सरल कर दे या हमारे भौतिक जीवन के कष्टों को दूर कर दे। यह भक्ति की सबसे निचली पायदान या पहली सीढ़ी है। माया के दलदल से निकलकर ठेठ निज प्रभु की गोद में पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, निशेनी है, उसका नाम भक्ति है। उसका पहला पायदान सकाम भक्ति और अंतिम पायदान केवल अपने प्रीतम की प्राप्ति, साक्षात्कार करके प्रीतम में समाकर उसमें तद्रूप होकर उसी का रूप हो जाना है। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछिताय। भक्त की अपनी भावना या प्रेम के स्तर की विभिन्नता से उनकी कई श्रेणियां बन जाती है। उनमें प्रमुख प्रमुख निम्न प्रकार से है। पहले भक्त हैं अनुकरण, अनुकरण करने वाले भक्त। ऐसे भक्तों में अपने स्वयं में भक्ति या प्रेम का अंकुर अभी नहीं है, यानी वे भक्ति के संस्कार लेकर जगत में जन्म नहीं लिए हैं, किंतु भाग्यवश या किन्हीं महापुरुषों और संतों की किसी जन्म में उन पर कृपा दृष्टि हो चुकी है। उस संत कृपा नजर या साधुओं और भक्तों के आशीर्वाद के प्रताप से उनको या तो भक्तों और सत्संगियों के घर में जन्म प्राप्त हो गया है या किसी प्रेमी का जगत में संग साथ मिल गया है। ऐसे भक्तों ने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किन्हीं संत या साध या प्रेमी भक्तों की कोई सेवा दीनता और सरलता के भाव से कर दी है तो संतों ने उसके घट में भक्ति बीज रख दिया है। अब उनको भक्ति दान मिलने का समय आ गया है। उनके घट में रखा भक्ति बीज अब अंकुरित होगा। बीज के अंकुरित होने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, उसे सिंचाई, खाद और परिवेश चाहिए और उसी के लिए कुदरत ने संतों की मौज के अनुकूल उनको भक्ति के परिवेश यानी वातावरण में जन्म दे दिया या भक्ति व सत्संग की जगह में रहने का संयोग बना दिया। ऐसे भक्तों के मन में तो अभी भक्ति की उमंग नहीं है, किंतु वे अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने स्नेही जनों, मित्रों या परिवार जनों को देखकर उनके जैसे ही भक्ति मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। देख देख कर वे सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं, भक्तों से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, संतों के निकट और फिर उनकी शरण में आ जाते हैं। इस तरह दूसरों को करते हुए देखकर उनका भी अनायास भाग्य बदलने लगता है। बाहरी वातावरण, संतों का संग या साध संग के अनुकूल होने पर उनके घट में रखा भक्ति बीज अंकुरित हो जाता है और भक्ति के उदय हो जाने पर कालांतर में वे भी भक्त बन जाते हैं। पुराणों में यह उल्लेख है कि अपने पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे। उनकी माता को संतों की सेवा का काम मिला हुआ था। वह संतों और साधुओं के लिए भोजन बनाती थी और संतों को भोजन कराती थी। नारद जी बाल्य अवस्था में अपनी माँ के साथ रहते थे तो संतों का उच्छिष्ट प्रसाद उस बालक को रोज ही मिलता था। संतजन उस बालक की माता की सेवा से प्रसन्न होकर माता को उसके पुत्र के मंगल और कल्याण का आशीर्वाद रोज देते थे। संतों के शीत प्रसाद यानी संतों की झूठन का प्रसाद और आशीर्वाद के प्रताप से वही बालक अपने अगले जन्म में भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी हुए। दूसरे भक्त हैं आर्त भक्त।
लगभग तमाम देहधारी किसी न किसी कष्ट से दुखी और तकलीफ में होते ही हैं, क्योंकि यह संसार दुख की रचना या दुख का घर ही है। इसे देह धारण करने का दंड कहा गया। कोई धन की तंगी या कमी भुगत रहा है, कोई रोग ग्रस्त है, किसी का अपना बिछुड़ गया है, कोई शत्रुओं से घिरा है, किसी का अपमान होता है, कोई पारिवारिक कलेश से जूझ रहे हैं। इनमें से कई दुखी अपने दुखों से घबराकर, दुखों से परेशान होकर भगवान की शरण में आ जाते हैं और यही काम उनके अस्थाई भले का हो जाता है। दुख और तकलीफ में जो हाय हाय करते हैं या खुद ही दुखों से जूझते रहते हैं, उनसे तो वे श्रेष्ठ हैं जो भले ही दुखों से घबराकर आए किंतु प्रभु की शरण में आ गए। जब उनके कष्ट का समय बीत जाता है तब भी उनमें से वे लोग जिनमें कृतज्ञता का भाव होता है फिर शरणागति नहीं छोड़ते और भक्ति के रास्ते पर ही आगे चलकर उन्नति करते हैं। पहले शुरू में तो ऐसे भक्त अपने संकट निवारण के लिए प्रभु की शरण में आए, भगवंत की सेवा और सुमिरन किया, बाद में उसी सेवा के और सुमिरन के प्रताप से प्रेम यानी भक्ति का बीज उनमें अंकुरित हो गया और वे भी सच्चे भक्त बन गए। बालक ध्रुव के दो माताएं थी, उनकी माता सुनीति, उनके पिता की मर्जी दान नहीं थी। ध्रुव की जो विमाता थी, ध्रुव के पिता उनके वश में थे। ध्रुव की अवस्था 5-6 वर्ष की थी। एक बार अपने राजा पिता की गोद में अपने विमात्र भाई को खेलते देखकर ध्रुव भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। विमाता ने देखा तो क्रोधित होकर ध्रुव को हाथ पकड़कर गोद से उतार दिया और कटु वचन कहे कि यदि पिता की गोद में खेलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कटु वचन सुनकर बालक के दिल को गहरी चोट लगी। ध्रुव रोते रोते अपनी जन्म देने वाली माँ के पास गए। ध्रुव की माता बहुत सज्जन और विवेकवान थी। समझाया कि बेटा ध्रुव, दुनिया के पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत अल्पकालिक और झूठा है। माँ ने कहा, बेटे भगवंत ही हमारे सच्चे पिता हैं। उनसे प्रेम करके उनकी गोद में पहुंचने की कोशिश करो, फिर भगवान की गोद से तुम्हें कोई उतार नहीं सकेगा। 5 वर्ष की अवस्था के बालक माँ की प्रेरणा से भगवंत को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए घर छोड़कर वन को गए। प्रभु की प्रेरणा से रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने गुरु बनकर उनको भगवंत के नाम का सुमिरन बताया और प्रभु की भक्ति सिखाई। ध्रुव की भक्ति सफल हुई। वही पिता जिसकी गोद में नहीं बैठने दिया गया था, वन में जाकर ध्रुव को राजमहल में वापिस बुला कर लाए, अपनी गोद में बिठाया। कालांतर में उनका राज तिलक भी हुआ, किंतु तब तक भगवान नाम के सुमिरन के प्रभाव से ध्रुव सच्चे भक्त बन गए थे। ऐसा ही विभीषण के साथ हुआ। बड़े भाई रावण ने लात मारकर भरी राज्यसभा में अपना अपमानित करके उनको लंका से निकाल दिया। रावण को नाराज कर देने पर विभीषण के लिए जान का भारी खतरा उत्पन्न हो गया। अपनी रक्षा के लिए वे भगवान राम की शरण में आ गए। जब विभीषण शरण में आए तो भगवान से बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं। श्रवण सुजस सुने आए हूँ प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने उनको अपनी शरण में ले लिया। रावण से विरोध मोल लेकर उस समय विभीषण पूरी त्रिलोकी में असुरक्षित थे। भगवान ने उनको अभय दान दिया
और साथ में लंका का राज्य भी दे दिया। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीन उराज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। रावण की क्रोध अग्नि में जलते हुए विभीषण को न केवल बचाया बल्कि अखंड राज्य भी सौंप दिया। लंका की अतुलनीय संपत्ति और वैभव रावण ने अपने खुद के दसों सिर काट कर शिवजी को भेंट किए और बदले में वैभव प्राप्त किया। वही सोने की लंका भगवान ने शरण में आने पर अत्यंत ही संकोच के साथ विभीषण को सौंप दी। ध्रुव ने ग्लानि सहित और विभीषण ने रावण से डरकर भगवान की शरण ली। भगवान की शरण से विभीषण का भय और भगवान के नाम के सुमरण से इन दोनों भक्तों के हृदय में, जो कि आर्त भक्त थे, शुद्ध व पवित्र भक्ति का उदय हुआ और दोनों भगवान के प्रेम पात्र बने। आर्त भक्त जो संसार के दुखों से घबराकर प्रभु की शरण लेते हैं, उनमें यह एक बड़ा गुण होता है कि वे अपने मन में ऐसा विश्वास रखते हैं कि प्रभु या संत या गुरुदेव समर्थ हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण अभय आश्रय है। यह विश्वास ही बाद में उनकी भक्ति का आधार बनता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में विभीषण को इतना विश्वास पहले ही था कि प्रभु श्री राम दयालु हैं, वे शरणागत वत्सल हैं, वे मुझे शरण में अवश्य लेंगे तथा वे समर्थ हैं। विभीषण को भरोसा था कि उनकी शरण में मुझे रावण का या अन्य किसी का कोई भय नहीं है। शुरू शुरू में आर्त या दुखी भक्त दुखों से घबराकर अपनी रक्षा या बचाव के लिए भरोसा रखकर आते हैं। उनको अपने गुरुदेव या इष्ट पर भरोसा पूरा होता है, उनमें वफादारी भी होती है, जैसे घर के रखवाले कुत्ते में होती है। कुत्ते का मालिक चाहे गरीब हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठित न भी हो, कुत्ता उसे बादशाहों का बादशाह मानता है और अपने मालिक का गर्व भी रखता है। कुत्ते को अपने मालिक की सेवा से कोई दूर भी नहीं कर सकता, वह अपने स्वामी के प्रति वफादारी निभाता भी है। विभीषण ने भी वफादारी निभाई। जब रावण युद्ध में मरा ही नहीं, उसके सिर काटने पर नए सिर निकलते रहे, तब विभीषण ने उसकी नाभि में अमृत होने का भेद भगवान को बताया। जब आर्त भक्त के ऊपर आए कष्ट का निवारण हो जाता है तो उस भक्त में कृतज्ञता और शुक्राना का भाव बढ़ जाता है। इसी प्रेम, वफादारी और कृतज्ञता के निर्मल भावों के बढ़ जाने पर वही भक्त जो अपनी तकलीफ दूर कराने के लिए भक्ति मार्ग पर आया था, फिर संपूर्ण समर्पण वाली शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आ जाता है। ऐसी निर्मल भक्ति के उदय हो जाने पर भक्त के हृदय के सारे राग, द्वेष और ममता के मेल जलकर साफ हो जाते हैं और उन भक्तों का नजरिया ही बदल जाता है। तीसरे, जिज्ञासु भक्त। सत्य के जानने की जिज्ञासा रखने वाले, जिनको सत्य यानी परमात्मा की खोज है, वे भक्त जिज्ञासु कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त संतों की, साधुओं की और सच्ची सत्संग की खोज में भी रहते हैं। जहाँ कहीं सत्संग होती है, वहाँ अपनी परमार्थी जिज्ञासाएं लेकर उनमें शामिल होते हैं। उनके मन में परमार्थी जिज्ञासाएं उठती है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप यानी आत्म स्वरूप क्या और कैसा है। शुरू में इनके स्वभाव में खंडन मंडन और तर्क वितर्क की टेव रहती है, क्योंकि ये एक तरह से कई जगह भटके हुए होते हैं।
जब इनको सच्चे संतों की सत्संग मिलती है तो सच्चे संतों को भेदी गुरु के रूप में पाकर, उनसे सच्ची भक्ति की दात पाकर, सच्चे मालिक का सही भेद और पता पाकर, सच्चे मालिक के दर्शनों की सही चुक्ति को मालूम करके, प्रभु से प्रेम करने का सरल तरीका जानकर उनमें ऊंची कृतज्ञता और श्रद्धा पैदा होती है। फिर ये भक्त सच्चा भेद देने वाले गुरुदेव का उपकार मानते हैं। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस रूपिणे भूमने सदा पार दयाम्बुदाम्ने यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात दूत भवतापज श्रमय प्राप्तवान हम खंड वेभवानंद महात्म पद मक्षयम क्षणात्। जिनके कृपा कटाक्ष रूपी चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से, संसार के तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से, मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय पद प्राप्त किया है। उन संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस रूप अति महान और नित्य अपार दया के सागर गुरु महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार है। तब भक्त अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि मुझे ऐसे महान गुरुदेव मिले। तब वह उनके अधीन अपने आप को करके उनकी सच्ची शरण लेकर उनके चरणों में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके उनके प्रेम पात्र बन जाते हैं। सच्चे गुरुदेव फिर उन्हें सच्चे नाम का दान और प्रेम का दान देकर उनको भक्तों की पंक्ति में बिठा देते हैं। चौथी तरह के भक्त सकाम भक्त। कुछ स्वार्थ साधक अपनी दुनियावी कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति पथ पर प्रवेश करते हैं, यह सकाम भक्ति है। वे जब भक्ति पथ पर आते हैं उस समय वे शुद्ध रूप से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कोई रोजी रोजगार और कमाई के लिए आता है, कोई बेटा बेटी भी मांग लेते हैं, कोई तो बेटे बेटियों की शादी विवाह की प्रार्थना भी करते हैं। इनमें और निपट संसारियों में थोड़ा सा ही अंतर है। वह अंतर यह है कि संसारी लोग अपने कामनाओं की पूर्ति अपने बलबूते यानी अपने अहंकार में बरत कर अपने दम पर सब कुछ कर लेने की होश रखते हैं, जबकि अर्थार्थी यानी सकाम भक्त के मन में थोड़ा सा सद्भाव यह है कि एक कोई सच्चा दाता या भगवंत है जो सभी को सदाई देने वाला है, वह मुझे भी देगा। ऐसे अर्थार्थी भक्तों की मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती हैं तो वे कृतज्ञता ज्ञापन भी करते हैं। वे भगवान को भेंट पूजा आदि चढ़ाते हैं और मनोती के अनुसार भी सेवा पूजा करते हैं, लेकिन कृतज्ञता और दीनता पूर्वक मांगने की भावना और अपने इष्ट का भरोसा, ये तीन बातें धीरे धीरे इनका भी सुधार करती है। फिर उनमें दास भाव धीरे धीरे बढ़ता है। मनोकामनाएं पूरी हो जाने पर भी अपने इष्ट से प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाते रहते हैं। वही प्रेम धीरे धीरे इनकी सकाम भक्ति को निष्काम भक्ति में बदलता रहता है। सकाम भक्ति है तो भक्ति का सबसे निचला स्तर ही, पर चूंकि प्रभु का प्रेम सचमुच में पारस है, इसलिए वह प्रभु प्रेम का पारस खोटी धातु लोहे को भी कंचन बना देता है। सकाम भक्तों में से कुछ थोड़े लोग सच्चे भक्त भी बन जाते हैं। पांचवें सहज प्रेमी भक्त, यही असली भक्ति है। यह स्वभावगत प्रेम है, जैसे मछली का जल से प्रेम। यह सहज प्रेम किसी हेतु का मोहताज नहीं है। मछली जब तक जिएगी जल के आश्रय रहेगी। जैसे बिना जल के मछली के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही सहज प्रेम के पात्र भक्त होते हैं जिनका बिना गुरुदेव या प्रभु या इष्ट के जीवन धारण रखना कठिन हो जाता है।
ऐसे श्रेष्ठ प्रेम में प्रेम करने वाला प्रेमी यानी आशिक यह नहीं देखता कि मेरा प्रीतम यानी मासूक मेरा ध्यान रखता है या नहीं, मेरी सुनता है या नहीं। प्रेम करना उसका स्वभाव बन गया है, प्रेम करना उसके खून में बस गया है। चातक रात दिन बादलों को ताकता है, रात दिन पीव पीव पुकारता है, बादलों से पानी मांगता है और कभी कभी पानी की जगह बादलों से ओले बरसते हैं। मांगा पानी मिले ओले, जिनकी ओट से चातक की गर्दन, जिनकी चोट से चातक की गर्दन टूट जाती है, तब भी क्या चातक या पपीहा बादलों से प्रेम कम कर सकता है। वह फिर स्वस्थ होकर बादलों की ओर दोबारा ताकना शुरू कर देगा, फिर पीव पीव पुकारेगा। बादलों के प्रति उसका प्रेम स्वभावगत है। चकोर चंद्रमा की ओर ताकता है, अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं दिखता तो चकोर भूमि पर पड़े अंगारों को चंद्रमा का टुकड़ा समझकर चोंच में पकड़ लेता है। चोंच और जीभ सब जल जाते हैं, किंतु जब पूर्णमासी का चंद्रमा उदय होता है तो चकोर के दिल में चंद्रमा के प्रति कोई नाराजगी नहीं होती। चंद्रमा रात होते ही पूर्व दिशा में चांद उगता है तो उसे अपलक देखना शुरू कर देता है। चंद्रमा आधी रात को बीच आकाश में और भोर के वक्त पश्चिम में अस्त होता है। चकोर का मुंह शाम को पूर्व दिशा में था तो ढलती रात में भी उसका शरीर तो पूर्व की ओर और गर्दन 180 डिग्री मुड़कर पश्चिम में हो जाती है, ठीक सूरजमुखी के फूल की तरह। बीच में एक क्षण के लिए यदि वह चांद देखना छोड़कर मुड़ जाए तो गर्दन सीधी रख सकता है, किंतु चकोर इतना भी नहीं कर पाता। यह उसके बस में नहीं है, क्योंकि एक क्षण या आधे क्षण के लिए भी चंद्रमा के दर्शन को छोड़ना चकोर से नहीं हो सकता। इस तरह का भगवंत के प्रति सहज प्रेम करने वाला भक्त उत्तम भक्ति के संस्कार पिछले जन्मों से लेकर आता है। जैसे दीपक बाती तेल संजोकर दीपक पहले से तैयार करके रखा हुआ हो, केवल एक चिंगारी की जरूरत है उसे प्रज्वलित करने के लिए। जैसे ही इस तरह का नया भक्त सच्चे संत सद्गुरु के सन्मुख आता है, गुरुदेव की जागृत ज्योत से उसके घट का भक्ति दीप भी तुरंत ही प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे भक्तों को कभी संशय भ्रम शंकाएं नहीं सताती। सच्चे गुरुदेव पर, सच्चे मार्ग पर, सच्चे नाम पर उसे सहज विश्वास और श्रद्धा फौरन आ जाती है। भक्ति मार्ग पर आ जाने के बाद जब उन पर कोई कष्ट तकलीफ दुख आ जावे तो उनका प्रेम बजाय डिगमिग होने के ज्यादा प्रखर होकर परवान चढ़ता है। प्रेम के पंथ में ऐसे भक्त ही मील के पत्थर गाड़ देते हैं। ऐसा प्रेमी असली भक्त कभी से कोई एकाध ही होता है और जुगों जुगों तक फिर उनके प्रेम की गाथाएं गाई जाती है। रोज रोज ऐसे भक्त जन्म नहीं लेते। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नयान। इस दर्जे के भक्त न धन लाभ न धर्म लाभ न कामनाओं की पूर्ति और न ही मोक्ष चाहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार ही पदार्थ यानी सार वस्तुएं मानी गई। पुराने शास्त्रों के मार्गदर्शन में सभी लोग इन चारों में से ही कोई न कोई चीज चाहते हैं, लेकिन सच्चे प्रेमी भक्तों के विचार और भी ऊंचे हैं। वे धर्म अर्थ काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष की बड़ी भारी महिमा है, किंतु प्रेमी गण सोचते हैं हमें मोक्ष सुख लेकर भी क्या करना है। ये चारों सार यानी तत्व वस्तुएं हैं, किंतु परम सार या परम तत्व की वस्तु तो प्रभु का प्रेम है। तब प्रेम और ऊंचा प्रेम
अहेतु का प्रेम जन्मों जन्मों तक निरंतर बढ़ते ही रहने वाला प्रेम, यही उन प्रेमियों का ध्येय हो जाता है। प्रेम ही साध्य और प्रेम ही उसकी प्राप्ति का साधन। साधक खुद ही प्रेम की साकार मूर्ति बन जाता है। साध्य, साधन और साधक तीनों ही प्रेम हो गए, यानी प्रेम स्वरूप हो गए, और साधक, साधन और साध्य की त्रिपुटी ही मिट गई। द्वेष का पूर्ण नाश और सच्ची विशाले यार की दशा प्राप्त हो गई। यह स्थिति और दशा सुख दुख विकार गुण दोष संयोग वियोग जैसे सभी द्वंद्वों से ऊपर हो गई। भक्त प्रभु में मिलकर प्रभु ही हो गया। भक्ति के भेद। भगवंत के प्रति परम प्रेम या परम अनुरक्ति ही भक्ति है। भक्ति तो प्रेम का पर्याय है, अपने आरंभ में मध्य में और अंत में भी प्रेममयी है। भगवंत के प्रति परम प्रेम का वास चित्त में हो जाने पर यह जानकर कि सभी उसके मालिक का अंश है, भक्त के हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्राणी मात्र से प्रेम केवल एक भक्त ही कर सकता है। प्रभु प्रेम स्वरूप है और भक्त प्रभु का अनुसरण करता है। यहाँ अनुसरण का मतलब है उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति। जैसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अपने पिता का भक्त है, इसका मतलब यह है कि वह अपने पिता का अनुसरण कर रहा है। भगवत भक्त होने का मतलब प्रेम स्वरूप भगवंत की तरह प्रभु से और प्रभु की तमाम रचना से भी प्रेम करना। एक पतिव्रता स्त्री अपने विदेश गए पति का ध्यान करती है, तो यहाँ इस ध्यान का मतलब है कि वह उत्कंठा पूर्वक निरंतर पति की स्मृति में है। वह निरंतर स्मृति ध्रुव स्मृति के द्वारा अपने पति का अनुसरण कर रही है, यही ध्यान है। एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल या शहद उंडेलने पर जैसे तेल या शहद एक अखंड धारा से गिरता है, उसी प्रकार अविच्छिन्न यानी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। उपासना को भी भक्ति कहा जाता है और उपासना का अर्थ भी प्रेम के साथ निरंतर स्मरण ही है। विश्व के समस्त क्रियाकलापों में एक तादात्म्य या गति है। एक निरंतर स्पंदन की शक्तिशाली अंतरधारा प्रवाहमान है जो सभी मनुष्यों को, समाजों को, राष्ट्रों को, विश्व को, पृथ्वियों को, ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य मंडलों को यानी पूरी कायनात को एक सूत्र में रखे हुए है। जैसे माला का धागा सभी फूलों को एक सूत्र में पिरोए रखता है, यह गति है अनुराग की। हमारी सभी मनोवृत्तियां राग वृत्ति से आवृत है। राग की नींव पर यह संसार रूपी महल खड़ा है। हमारा राग सभी प्रिय लगने वाली वस्तुओं में है और इसका बिगड़ा हुआ रूप हमारी अप्रिय वस्तुओं के प्रति द्वेष भावना के रूप में जाहिर होता है। घृणा या द्वेष भी प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है और मोह भी प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। लौकिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का नाम राग और पारलौकिक वस्तुओं के प्रति या प्रभु के प्रति जो आसक्ति या लगाव है वही भक्ति है। प्रेम और लगाव के अलग अलग स्तर या दर्जे होने से भक्ति के कई प्रकार और भेद हो गए। भक्ति के सभी प्रकारों में एक मूल भावना या मूल अंतर्निहित सूत्र प्रभु या इष्ट के प्रति अनुराग मौजूद ही रहता है। रामचरित मानस और श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 भेद कहे गए। 9 प्रकार की होने से इसे नवधा भक्ति कहा गया। भक्ति पंथ के आचार्य नारद जी ने इसके 11 भेद बताए। दयालु स्वामी जी साहब ने भक्ति के 13 प्रकार और सदगुरु तुलसी साहब जी ने घट रामायण में इसके 13 भेद बताए। 9 भेद तो सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार हो गए जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। फिर 10वीं भक्ति है ज्ञान भक्ति।
ग्यारहवीं भक्ति प्रेम भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति, बारहवीं भक्ति अमल भक्ति या अनुपावनी भक्ति, और तेरहवीं अभेद भक्ति।